हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 5 हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो थोड़ा ये टॉपिक जो 5 है ये इतना ज्यादा किसी एग्जाम में नहीं कह सकते हो आता है, ठीक है। इसके जो लास्ट इसका जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो काफी आता है। खैर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है जी। अ सीक्वेंस इज अ हार्मोनिक सीक्वेंस इफ द सीक्वेंस, ये अगर 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3, ……1 upon AN are in AP। अगर ये AP में आ जाता है सो A1, A2, A3 are in HP, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। अगर हमारा ABC HP में है, इफ ABC are in HP, अगर ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है सो ऑब्वियसली 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are in arithmetic progression, are in AP। सो अगर ये AP में है सो अब हम यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, AP का जो मिडिल टर्म होता है उसका 2 times इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल, ये वाले दोनों का सम इसके इक्वल होता है, ये भी आपको समझा रहा होगा। सो यहां से हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, B की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आती है। So, 2 upon B is equal to A plus C upon AC, B इधर ये इधर, यानी कि B की वैल्यू आ जाएगी 2AC upon A plus C, ओके। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ B, B इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, यहां लिख सकते हो हियर B इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन ऑफ A and C, यानी कि जो B आपने अभी फाइंड आउट किया ये हार्मोनिक मीन होगा किसका, A and C का। और वहीं अगर कोई हमसे बात करे कि इसका nth टर्म बताओ, क्या बेटे nth टर्म, सो इसका अगर nth टर्म की बात आती है सो nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो जरा ध्यान से देखना। देखिए भाई, nth टर्म इसका ऑब्वियसली रेसिप्रोकल होगा, यहां लिख दीजिए nth टर्म ऑफ HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग AP, ठीक है। अगर A1, A2, A3, ……AN are in HP, अगर ये HP में है सो ऑब्वियसली इनका जो रिवर्स होगा वो AP में होगा। सो 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3, ……1 upon AN are in AP, सो ये AP में होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बड़ा सिंपल, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं इसका nth टर्म HP का। अच्छा, कॉमन डिफरेंस यहां क्या होगा इस AP का, D इक्वल टू होगा 1 upon AN minus 1 upon AN, ऑब्वियसली इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। या फिर आप ये थोड़ा और ग्रेटर लेना है ऐसे भी लिख सकते हो, A n + 1 - A, ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, ये हमारा D कॉमन डिफरेंस है। और अगर मैं बात करूं यहां इसके nth टर्म की, सो इसका जो nth टर्म होगा, nth टर्म tn होगा 1 upon, ऑब्वियसली 1 upon होगा, फिर ये AP में है 1 upon A1, तो 1 upon A1 प्लस n − 1 × d कॉमन डिफरेंस के आंसर है। सो ये nth टर्म किसका आएगा, HP का आएगा। सो ये बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। सो दूसरे वर्ड से हम बोल सकते हैं कि nth टर्म ऑफ HP इज रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP, ठीक है। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए, ये 2012 में IIT में आया था, ठीक है। व्हाट ही इज सेइंग क्वेश्चन में, बड़ा सिंपली इसने क्या पूछा है हमसे, हाँ जी, इसने कहा है कि अभी आपके सामने TN तो मैंने लिख ही दिया, TN को तो लिख लो पहले, TN जो है वही, और एक बार मैं लिख देता हूं, यार TN लिखने जा रहा हूं मैं, देखिएगा। सो TN हमारा आएगा 1 upon, क्या लिखता हूं, nth टर्म ऑफ HP, यानी कि TN इक्वल टू 1 upon A plus n − 1 × d जा जाएगा, ठीक है जी। और हमें जो गिवन है उसको ध्यान से देखें कि A1 यानी कि उस HP का फर्स्ट टर्म हमें गिवन है वो है 5, और एक कौन सा टर्म दिया है, 20th टर्म दिया है बेटे, वो 25 है, ओके, ऑलराइट, यहां तक ठीक है। सो ये दोनों से हमें जो भी फायदा मिलता है वो लीजिए। सो ये फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियसली इसका होगा 1 upon A,
एपी में, वन अपॉन ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, फाइव आप समझ रहे होंगे, और ऐसे ही हम इसका वन अपॉन ये टी एन यही होता ना, वन अपॉन ए प्लस 20 माइनस 19 डी इज इक्वल टू क्या जाएगा 25। सो एक ये क्वेश्चन बन गई और एक तो ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सो यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको, कोशिश करते हैं कि यहां से ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू आ रही है 1/5, मतलब एपी जो होगी उसका फर्स्ट टर्म 1/5 है, ठीक है। एचपी का अगर 5 है तो इसलिए एपी का ही होगा। अच्छा यहां से देखो क्या आता है, यहां पुट कर सकते हो आप डी की वैल्यू आ जाएगी यहां से। अगर आप इसको पुट कर सकते हो तो यहां से डी की वैल्यू बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे, और फिर बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले डी निकालते हैं यहां से। सो यह आ जाएगा 1/25 इज इक्वल टू ए प्लस, ए है हमारा 1/5 प्लस 19 डी। यहां से इसको इस साइड ले आओ, शिफ्ट करो, माइनस हो जाएगा यहाँ के, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस। सो एलसीएम दिया 25, सो 25 आपने एलसीएम दिया तो 1-5 इज इक्वल टू 19 डी। सो -4/25 और ये 19 डिवाइड में चला गया, तो यहां से डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी इंटू 19। सो आपने डी फाइंड आउट कर लिया। अब आपने डी फाइंड आउट कर लिया और हमें जो गिवन है वो ये कि जो ए एन है, जो nth टर्म है वो लेस देन जीरो है। इसको लिख लीजिए ए एन लेस देन जीरो, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए एन इज लेस देन जीरो, मतलब कि वो कौन सा नंबर है जिसके लिए जो हमारा ए एन है वो लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो यहां हम ए एन की जगह पुट करते हैं ए एन, ए एन की वैल्यू है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म ये दिया है 1/5 प्लस 1/5 प्लस, हाँ जी, एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो। अब यहां से आप सॉल्व करिए, से डी की वैल्यू भी आपके पास है वो भी यहां पुट कर दो, फिर यहां से आप एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए करें इसे। सो देखते हैं भाई क्या आता है यहां से, है ना। चलिए 1/5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू, अभी आपने फाइंड आउट की थी डी की वैल्यू, रखो -4/19 इंटू 25 इज लेस देन जीरो। अगर एलसीएम देखो कुछ हो रहा है यहां से सॉल्व, तो करिए इसको इजीली सॉल्व हो जाए। एन माइनस वन को दूसरी साइड ले जाओ, ये आपका इधर चला जाएगा, और चलो देखते हैं 1/5 ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि एन माइनस वन इंटू 4/19 इंटू 25, ये इधर भेज दो और 4 भी डिवाइड में ले जाओ। सो एन माइनस वन इज ग्रेटर देन 19 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 5 5 5 25। सो ये आ जाएगा आपका 19 इंटू 5/4, और यहां से माइनस वन है वो उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्लस वन हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है बेटा, सॉल्व करो, और एन इससे ग्रेटर होगा, देखो कितना आ रहा है, 4 + 19 × 5 कितना होता है, देखो जरा वैल्यूज क्या आ रही है ये, और 95/4 + 1 ये 95 आएगा था ना, 95/4 + 1 95/4 + 1 ऐड करो कितना आ रहा है, 99/4 से एन ग्रेटर होगा। यहां से निकालो जरा कितनी वैल्यू आ रही है, 4 2 8 और 19 बचा, और 19 फिर ये हो जाएगा 19 अगर है तो 24 से बड़ा, तो लीस्ट कौन सा हुआ 25। सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, और कोशिश करिए इसको समझने का, है ना। एचपी थोड़ा सा कह सकते हो ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, एचपी काफी इजी क्वेश्चन आया था 2001 में। इफ द पॉजिटिव नंबर्स आर इन एपी देन ये किस में होंगे, एपी में होंगे, एचपी में होंगे या जीपी में होंगे। ऑब्वियसली अगर ये एपी में है,
ठीक है, ABCD अगर एपी में है तो प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ी है एपी की, तो इसको अगर मैं किससे डिवाइड करता हूँ, ABCD से, तो भी एपी में ही रहेगा, सेम नंबर से डिवाइड किया जा रहा है ना। चलिए इसको डिवाइड करो, ABC, देखो इतना इजी क्वेश्चन भी आता है, कर दिया सभी को, तो ये भी किसमें होंगे, एपी में ही होंगे। ठीक है, अब डिवाइड कर दो बेटे इसको, ये है ना, सी डी डी कैंसिल हो गया, यानी कि 1/BCD, 1/ACD, 1/ABD, 1/ABC आर इन एपी, बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगर ये एपी में है तो इसका रिवर्स किसमें होगा, एचपी में होगा। ठीक है, यानी कि BCD, ACD, ABD एंड ABC आर इन एचपी, और अगर ये एचपी में है तो यहां से शुरुआत कर दोगे तो भी एचपी में रहेगा, यानी कि ABC। ठीक है, फिर आपका ACD, ABD, ABC इधर से रिवर्स आओ, ABC फिर ABD और फिर ACD और देन BCD आर इन HP, तो ये भी HP में रहेगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे ज्यादातर कि ये HP में आ रहा है लेकिन हमसे पूछा ये जा रहा है ना, इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है बेटे, आप तो ये बात समझ रहे हो कि अगर मान लीजिए कोई AP है और उसमें ये टर्म्स जो है जैसे 2 है, फिर 1 है, फिर माइनस माइनस वन है, 1 - 2 कितना आएगा, 0, चलो फिर 0 है, ये किसमें है, एपी में ही है, तो 0/2 किसमें, वो भी तो एपी में ही है, तो बस सिंपल सी बात है। सो ऑप्शन पता लग गया होगा आपको कौन सा टिक करना, सो एचपी वाला ऑप्शन टिक करना, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट जे एडवांस 1999, 2 मार्क्स का, ये एपी में है, ये एचपी में है, A1, A2 और ये सब जो है एपी में है और ये एचपी में है, ये हमें गिवन है। देखो दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों के टेंथ टर्म सेम है, लोग सोचेंगे फिर एपी में कैसे हुए और एचपी में, हो सकता है बेटा ऐसा पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकता, करें, चलिए करते हैं। सबसे पहले अगर ये एपी में है ये पूरा, सो A10 यहां से निकालते हैं, A10 आ जाएगा A1 + 9D, ओके आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये जो हम वैल्यू पुट कर दो A10 की, तो आपको पता है A10 3 के इक्वल है, यहां से है ना 3 इक्वल, A1 भी हमें पता है 2, चलो भाई ये तो बात बन गई, D तो आ गया, AP का आया ये ध्यान रखना, सो 3 - 2 = 9D, सो D की वैल्यू यहां से आ रही है बेटे 1/9, दैट इज द वैल्यू ऑफ D। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, ये तो D आ गया, हाँ जी आगे हम क्या करेंगे, A4 फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं, चाहे A4 क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, A4 निकालना है बच्चे, देखो या इधर कर दो, AP वाले इधर कर देते हैं, HP इधर कर देते हैं, A4 इक्वल आ जाएगा A1 + 3D, A4 इज इक्वल टू A1, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, +3 × D, D अभी हमने फाइंड आउट किया 1/9, सो यहां से आ जाएगा 3 × 3 = 9, यानी कि 2 + 1/3 7/3, दैट इज द वैल्यू ऑफ A4। A4 की भी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, अब रहता है H7, है ना, H7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। देखिए बेटे हमें पता है कि H1 H2 और ये सब किसमें हैं, H1 H2 H10 आर इन HP, सो इनका जो रिवर्स होगा वो AP में होगा, यानी कि 1/H1 1/H2 / 1/H10 आर इन AP, ये हमारा AP में होगा, समझ रहे होगे ना आप। ठीक है, दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं कि हमें जो गिवन है H1 2 दिया है और H10 3 दिया है, गिवन वो लिख लो, गिवन H1 इक्वल टू 2 एंड H10 इक्वल टू 3, जो वैल्यूज गिवन है वो लिखना जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/H10 इक्वल टू, ये वाला टर्म 1/H10 इज इक्वल टू होगा 1/H1, भाई AP का फॉर्मूला, ये पूरा आप AP में, सो दिस 10th टर्म इक्वल टू A + ND, D इसका अलग है, D डैश ले लो, सो यहां से हमारा D आ सकता है क्योंकि H10 और H1 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, करेक्ट, 9, सो 1/H10 1/3 H1/H1 इधर गया 1/2 इज इक्वल टू 9D,
minus 3 minus 1 upon 6. So that will be minus 1 upon 6. 9 को नीचे भेज दो, b की वैल्यू आ जाएगी 9 into 6 minus 1 upon 54. ये हमारा d आ गया. ये किसका d आया ये भी सोचो जरा. ये d है हमारा HP का, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का. ठीक है, तो अब इस d से हमें क्या निकालना है, इस d से हमें H7 निकालना है. ठीक है, इस d का यूज करके H7. चलिए H7 की तरफ बढ़ते हैं. 1 upon H7 is equal to क्या होगा, 1 upon H1 AP. इसको तो AP मान के चल रहा हूँ ना मैं, ये AP है मेरा. ठीक है, ये होता है this term equal to, 7th term equal to A plus N minus 1 into D, यानी कि 6D. और D की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है, वो यहाँ तो minus 1 upon 54. यहाँ पुट किया तो आ जाएगा minus 1 upon 54. और H7 हमें पता है, H7 की वैल्यू पुट करिए. अभी तो आपने फाइंड आउट H7 सॉरी निकालना है. हाँ, H1 की वैल्यू 1 upon 2 minus 6 upon 54. बेटे बताइए H1 क्या है, H1 विल बी 54 है. या फिर इसको डिवाइड कर लो, 9 6 54. 1 upon 2 minus 1 upon 9, ये आ जाएगा आपका H1 दिया 9 minus 2 7, 7 upon 18. ओके, So, ये हमारा जो आया वो 1 upon H7 आया, जबकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, H7. H7 हो जाएगा 18 upon 7. ये 18 upon 7 जो आया वो H7 आया. और यहां आपको एक बात और इंपॉर्टेंट पता है कि A4 हमारा क्या है, 7 upon 3. दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि A4 into H7. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये. A4 है हमारा 7 upon 3 into 18 upon 7. So, ये कैंसिल हो गया, ये 36 है. So, ऑप्शन डी द राइट आंसर. So that will be after in J Advanced 1999, 2 marks. Next, देखिए बेटे बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था 1998 में. अगर x, y, z तीनों ही 1 से बड़े हैं, है ना, मतलब क्या है कि log के अंदर है ना x, y, z, तो ये सभी 1 से greater लिए हैं, यानी कि positive है. इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि log का अगर आप graph देखो, log में natural base का वो ऐसे होता है. और अगर 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली सारी वैल्यूज वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा. एक्स की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो वाई कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो ये सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, ये कहने का मकसद था उसका. एनीवे आगे वो क्या बोल रहा है, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ये एक्स वाई जेड तीनों ही किसमें है, जीपी में है, तो इसके बारे में बताओ ये किसमें होगा. ठीक है, चलिए करें इसको. बहुत ही सिंपली हमने क्या करना है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या करो, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी का आर ले लो. अगर एक्स वाई जेड जीपी में है, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज आर. आपने कॉमन रेशियो आर ले लिया. दूसरा स्टेप, तो ऑब्वियसली यहां से वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर एक्स इक्वल टू ए है तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आर. या एक्स इक्वल टू एक्स है तो वाई इक्वल टू एक्स आर आ जाएगा. बात समझ आ गई होगी आपको, है ना. और जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आर स्क्वायर आ जाएगा. मेरी बात आप समझ गए होंगे. तीसरा स्टेप, यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं लॉग ले लू दोनों साइड, क्या ले लू, लॉग, तो यहां से आ जाएगा लॉग नेचुरल बेस वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू आर. और फिर इसको हम एम इंटू एन का फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग आर. ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप समझ रहे होंगे. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, लॉग वाई इक्वल टू ये आ गया ना बेटे. अब अगला स्टेप, इसके बाद क्या होगा, लॉग वाई आपने फाइंड आउट कर लिया, अब ऐसे ही लॉग जेड फाइंड आउट कर लो. लॉग जेड क्या आएगा, देखिएगा, लॉग जेड इक्वल टू लॉग एक्स इंटू आर स्क्वायर है. सो दैट विल बी लॉग एक्स प्लस लॉग आर स्क्वायर. सो 2 को आगे ले आओ, यानी कि लॉग एक्स प्लस 2, ये भी आपको प्रॉपर्टी आती है वाली. कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ये लगाई है लॉग एम की पावर एन इक्वल टू होता है एन लॉग एम. ओके, ठीक है. खैर यहां तक आपने बिल्कुल सही सही लिख लिया, अब बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं. ठीक है, सो लेट कर लेते हैं कि ए जो है कैपिटल ए वो है हमारा 1 प्लस लॉग एक्स. कैपिटल ए
इक्वल टू 1 प्लस लॉग इन नेचुरल बेस एक्स, और कॉमन डिफरेंस जो होगा उसको हम ले लेते हैं लॉग विद लॉग आर, यहां से लॉग आर बोलो, से डी डी हमारा लॉग आर है, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स, और ये आ गया आपका लॉग आर। सो यहां से हमें क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको बताता हूं, यहां देखिएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ए, इसको 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स को 1 अपॉन ए, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन बोलो 1 प्लस लॉग वाई है ना, इसको क्या लिख सकते हैं भाई सोचिए जरा, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग वाई को लॉग वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग आर पुट कर दें, तो आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग आर ये, और ऐसे ही इसकी जगह भी आप पुट करोगे, क्या जाएगा 1 अपॉन लॉग जेड की जगह ये रहा, ये पुट करेंगे 1 प्लस लॉग इन नेचुरल बेस एक्स प्लस 2 लॉग इन नेचुरल बेस आर, ये आ गया। और ये भी आपको समझ आ गया, ये भी आपको समझ आ गया, तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा याद रख सबसे ये, ठीक है, तीसरा स्टेप ये होगा जिसको आप ए मानते हो उसको ए पुट कर दो, जिसको डी मानना है डी मान लो, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माना हुआ है आपने ए, या ही रख लो, और इसको आपने डी माना है लॉग आर को, ए प्लस 2 डी आ गया, इसको आपने क्या माना है 1 प्लस लॉग एक्स को ए, ऐसा मैंने इसलिए किया था आपको समझ आ गया होगा, और लॉग आर डी, तो आपको समझ आया कुछ, अब अभी भी अगर नहीं समझ आया तो फिर भगवान मालिक है भाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है इसके, एपी में चल रहा है, ये एपी है डिनोमिनेटर में, एपी चल रही है, तो इसका रिवर्स किस में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा, मतलब हाँ मतलब ये 1 अपॉन दिस 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 ये किसमें आ जाएगा, एचपी में आ जाएगा नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में एपी है ना, किसी का डिनोमिनेटर अगर एपी होता है जैसे 1.2 1.3 1.4 किसमें है, ये पूरा पूरे की बात नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर किसमें है, डिनोमिनेटर एपी में, तो पूरा किसमें है, एचपी में, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये बस थोड़ा सा एक पॉइंट था इसमें जो हमने लेट किया वो समझने वाला पॉइंट है, बाकी सब सही है। ये क्वेश्चन बेटे एसेंशियल रीजन का है, और हमसे क्या कहा जा रहा है, सपोज फोर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स ये दिए हुए हैं, फोर आर इन जीपी, ये चार इन जीपी में बोल रहे हैं, और ये दिया हुआ है कि B1 जो है वो A1 के इक्वल है, B2 ये है, B3 ये है, और B4 ये दिया हुआ है, जो पहली स्टेटमेंट है वो कह रही है कि नंबर B1 B2 B3 B4 आर नाइदर इन एपी नॉर इन जीपी, कह रहा ना तो ये एपी में ही होंगे ना ही ये जीपी में होंगे, दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा है कि नंबर्स जो B1 B2 B3 B4 है ये आपका एचपी में है, इसने तो ये बोला पहले वाले ने कि ना तो ये एपी में है ना जीपी में है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एचपी में हो जाएंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, अगर ये ट्रू आ गई और ये फॉल्स आ गई तो फिर एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं उठती है ना, तो ऑप्शन होते हैं ना पहला कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है, स्टेटमेंट 1 2 का एक्सप्लेनेशन है, दूसरा दोनों ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 1 जो 2 जो है 1 का एक्सप्लेनेशन या 1 2 का एक्सप्लेनेशन, फिर लास्ट में ऑप्शन क्या होता है कि ये ट्रू ये फॉल्स ये फॉल्स ये ट्रू है ना, चार ऑप्शन होते हैं, खैर चलिए करें से, और बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, देखिए बेटे A1 1 है और A2 2 है, मान लेते हैं A1 1 है A2 को फर्क पड़ेगा, लेट कर लिया A1 को 1 और A2 को 2 तो A3 क्या आएगा, A3 क्या आएगा 3, A4 क्या आएगा 4, A8 क्या आएगा वो भी 8 आएगा, ठीक है जी, A1 1 A2 2, तो यहां से A3 और A4 की बात कर लेते हैं, या फिर और ये तो हमने गलत दिया, सॉरी मैंने AP मान लिया इसको, सॉरी और GP में दिया ना, हाँ A1 A2 A3 A4 आर इन GP, A1 1 है A2 2 है, तो A3 बताओ बेटे क्या होगा, A3 होगा आपका GP में है ना, सो कॉम्बिनेशन 2 है तो 4 आ जाएगा, और A4 कितना आएगा वो 8 आ जाएगा, समझ गए होगे आप, ठीक है, अब बात आगे करते हैं, B1 इक्वल टू A1,
बी वन जो है वो ए वन के इक्वल है, चलिए मान लेते हैं। बी वन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे, वन। सो बी टू कितना है, बी वन प्लस ए टू, बी वन प्लस ए टू, बी वन कितना, वन प्लस ए टू थ्री। फिर बी थ्री कितना है, बी थ्री आपका आया बी टू प्लस ए थ्री, बी टू प्लस ए थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन। फिर बी फोर बताओ बेटे, बी फोर दिया, हाँ बी थ्री प्लस ए फोर, बी थ्री प्लस ए फोर सेवन प्लस एट फिफ्टीन। अब बताओ ये एपी में आ रहा है, जीपी में आ रहा है, एसपी में आ रहा है, ना तो एपी में है और ना ही बेटे ये जीपी में है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। देखो बेटे एक्सप्लेनेशन तो ये वैसे नहीं बनता, मतलब अगर ये एचपी में मान लो आ भी जाता है, वैसे तो एचपी में है नहीं, तो एक्सप्लेनेशन कैसे बन जाएगा इसका, कि अगर ये एपी और जीपी में नहीं आया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एचपी में ही होगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन तो नहीं ही होता, अगर होता भी एचपी में ये तो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, सो मतलब किसी पर्सन में अगर तीन चीजें चाहिए होती हैं, कॉन्फिडेंस है ना, उसका उसकी स्किल है ना, एटीट्यूड या बिहेवियर कह लो, अच्छा बिहेवियर, और लास्ट में मैं बात करता हूं गुड ह्यूमन बीइंग की, क्या ये एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड है? है तो अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, स्किल है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो गुड ह्यूमन बीइंग भी होगा बेटे। ये वैसे ही इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्टेटमेंट टू जो है, स्टेटमेंट वन जो है वो टू का एक्सप्लेन नहीं करती, मतलब अगर कॉन्फिडेंस और स्किल है तो वो अच्छा आदमी है, ये एक्सप्लेनेशन इससे नहीं होता, वैसे भी एचपी में नहीं आ रहा बेटे हमारा। ठीक है जी, चलिए, और स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, सो ऑप्शन आप खुद ही सिलेक्ट कर लोगे अब, है ना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये क्वेश्चन है इफ कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई आर इन एचपी, देन ये किसमें होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये नहीं पूछा इसने कितने, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, सो 1997 में आया था ये, करें। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले जो इसने बोला, ये अगर एचपी में है तो इसका रिवर्स किस में होगा, एपी में, यानी कि वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई, वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई आर इन एपी, ये लिखो पहले तो। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेटमेंट वो ये है कि एपी के बारे में आपको पता है कि मिडिल टर्म का अगर हम टू टाइम्स कर दें, सो टू टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई एक्सटर्नल टर्म्स के सम के बराबर आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। ये फिर आपको आगे सॉल्व करना आता है, करीब आगे जितना आप सॉल्व कर सकते हो उसको बेटर होगा, कॉस एक्स की वैल्यू निकालिए यहां से, देखिए आएगा टू अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, फार्मूला आपको आता ही है कॉस ए प्लस बी का, वो भी लगा दें, कॉस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, लगाओ फार्मूला कॉस ए प्लस बी का, यह आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वैसे भी ये दो वाला फार्मूला भी आपको आता होगा, मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस वो सेम ही है। ठीक है, अपॉन कॉस वो बनता यहीं से है ना फार्मूला, इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, डायरेक्ट तो आप यहीं से करते हो ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जुड़ गया टू टाइम्स हो गया, यानी कि आ गया टू टाइम्स कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन में कॉस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, और ये इक्वल टू है टू अपॉन कॉस एक्स के पूरा, है ना, टू अपॉन कॉस एक्स, चलिए इसको इक्वल टू टू अपॉन कॉस एक्स लिख दो बेटे पूरे को, है ना, क्या गया टू अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टू कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। बेटे इनको कैंसिल कर दो, बताओ कॉस एक्स की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर ही लोगे, है ना, काफी हद तक तो हो गया सॉल्व ये, चलिए करिए, देखिए क्या आता है स्क्वायरिंग वगैरह करके, देखो मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, करो सॉल्व, सो ये आ जाएगा आपका, अगर सिर्फ मैं कॉस एक्स की बात करूं
सिर्फ कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स इक्वल टू आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई आएगा। ओके ये कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप इसके बाद क्या करोगे, यहां तक तो सही है ना, ठीक है। सो कोई ऐसा तो नहीं कोई नंबर रह गया, चेक कर लो प्लस माइनस का ये फिर हो रहा है कुछ, टू कॉस एक्स कॉस वाई, देखो जरा यार गड़बड़ हो गई कि सही है। सो यहां से आपका अगर कॉस स्क्वायर एक्स ये इधर आ जाएगा, कॉस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर गया तो ये आ जाएगा, वैसे ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज हो रही है इसमें है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू दिस ये। सो करिए फिर फार्मूला एक और लग जाएगा यहां से है ना, कॉस वाई को रहने दो इधर, हाँ जी टू टाइम्स कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई टू टाइम्स करके। सो टू कॉस का फार्मूला बनाओ, टू कॉस से कॉस बी वाला, टू कॉस से कॉस बी का फार्मूला तो बन जाएगा ना, तो ट्राई करो और फिर ये होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू ये बेटा आपका फार्मूला ये वाला कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी होता है, आप करके देख लो चाहे तो उसे, ये आएगा कॉस ए कॉस बी फिर माइनस और प्लस साइन ए साइन बी है ना, साइन ए साइन बी ऐसे तो आया था फार्मूला आपका, और फिर क्या था फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला लग रहा था ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो आना था दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर और माइनस ये स्क्वायर, यहां और फिर यहां आप और एक वैल्यू पुट कर दो इनमें, इसको कॉस की फॉर्म में ले आओगे तो मैं बता देता हूं ये क्या आने वाला है, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई, नहीं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक मिनट साइन स्क्वायर वाई, आई थिंक ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, चेक कर लो आप वैल्यू पुट करके, ठीक है। सो टू टाइम्स आपने टू टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, करके देखो ओके ऑल राइट। और ये है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू दिस वन, अब आप आगे क्या करोगे, यहां तक सब सही चल रहा है, हाँ जी आगे हमें सॉल्व ही करना है, और क्या है ना कोशिश करते हैं इसको आगे सॉल्व करने की, देखते हैं क्या आता है, जो कोई इधर आ सकता है उसको बुला दो जो कॉस स्क्वायर एक्स के साथ इधर आ सकता है, देखो ठीक है। सो यहां से वैल्यू निकालते हैं, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू पूरा सॉल्व करने के बाद में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू ये, टू टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और ये एक फार्मूला है हम सभी को पता है साइन स्क्वायर वाई, अगर मैं इसको करूं कन्वर्ट कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस कॉस वाई इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू है ना इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, अरे इसको जब ला लिया इसको जब मास पर कॉमन ले लिया इसको ना समझ हो गया, पर टू को कैंसिल कर दिया, ठीक है जी ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू दिस। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इसका एक फार्मूला ओपन करो, और जो फार्मूला हमें पता है सभी को कि कॉस का कॉस टू थीटा का है ना, कॉस टू थीटा का फार्मूला ओपन किया, इसको ऊपर लिख लेता हूँ, जो हमारे पास आया वो आया कॉस स्क्वायर एक्स वन माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, ये है ना। सो कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है
वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। अगर टू टू से डिवाइड कर देंगे यहाँ टू से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आप बहुत सिंपली आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस कॉस थीटा की जगह पुट करो तो वन प्लस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर वाई अपॉन टू, ये आ जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, वन अपॉन कैंसिल कर दो cos square x into this, ओके ठीक है जी। साइन स्क्वायर वाई की जगह पर आप क्या लिख सकते हो इसको जरा सोचो भाई, साइन वाई का भी एक फार्मूला ऐसी है, साइन मतलब ये कटिंग करनी है, साइन टू थीटा का फार्मूला होता है, यानी कि साइन टू वाई का टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, कोई फार्मूला यहां अप्लाई करना हमने और क्या, ठीक है फिर होल स्क्वायर हो जाएगा भाई साइन वाई का क्या आएगा वाई बाई टू कर दो, वाई बाई टू कर दिया तो वो कट गया तो यहाँ पे वाई बाई टू आ गया, तो ये पुट कर दो इसकी जगह तो आ जाएगा टू साइन वाई बाई टू इंटू कॉस वाई बाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा फोर। बाकी अब आप कैंसिलेशन करो, ये देखिए पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर वाई बाई टू, टू टू जा फोर, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर वाई बाई टू अगर डिनोमीटर में हम ले लेंगे सो ये अगर डिनोमीटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर वाई बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे यहां से टू। सो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा यूज नहीं, थोड़ा नहीं अच्छा खासा यूज है, ये आ गया टू आया था कि फोर आया था एक मिनट चेक करो यार क्या था, टू ही था ना, तो बताओ फिर यहां से वैल्यू क्या आ रही है इसकी, बस हो गया सॉल्व था ना। सो ये sec स्क्वायर वाई बाई टू ऊपर ले लो, sec स्क्वायर की फॉर्म ही तो है cos स्क्वायर x sec स्क्वायर वाई बाई टू, तो ये स्क्वायर हटा दो यहाँ से आ जाएगा cos x into sec y by 2 equal to under root 2 plus minus ले लो भाई। जब आपका cos x माइनस, हाँ जी क्या ये सभी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हमें नहीं पता, चलिए फिर आप आंसर दोनों ही ले लोगे प्लस माइनस रूट टू, क्योंकि उसने दिया नहीं ऊपर स्टार्टिंग में कौन क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था, एबीसी आर इन एपी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन एच पी, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज फॉर्म ए जी पी, है ना। सो जे एडवांस 2003 फोर मार्क्स, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ एबीसी आर इन एपी, लिखता हूं इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है सो टू टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, एपी की कंडीशन लगाई हमने, ओके सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एच पी में दिए हैं एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एच पी, सो इट्स रिवर्स विल बी इन विल बिकम इन एपी, ओके सो इसका जो रिवर्स होगा वो हमारा एपी में आ जाएगा। चलिए करें इसे एपी में कन्वर्ट, सो वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर वन अपॉन सी स्क्वायर आर इन एपी, सो टू टाइम्स ऑफ दिस वन मिडिल टर्म इज इक्वल टू एक्सटर्नल टर्म्स का सम, ठीक है जी। एलसीएम लीजिए इसका, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सो टू अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, सो रिवर्स करते हैं तो टू अपॉन बी स्क्वायर हमारा जो आया वो आया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू को इधर भेज दो सो टू यहाँ आ गया, ठीक है आप समझ रहे होंगे। डन, इसके बाद हम क्या करें, ये हमारा बी स्क्वायर आ गया, हाँ जी। सो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो ये कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ इधर मल्टीप्लाई करूं, बी की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं मैं, ये देखो यहां से वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर की, ये अपॉन में टू चला गया, सो बी स्क्वायर ही आ गया ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर, सो वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू भी यहां से पुट कर सकते हो। चलिए सो ये वैल्यू आपकी पुट कर दो, ये बी की यहां आ जाएगा ए प्लस सी अपॉन टू का
बी स्क्वायर यूनिट, हाँ ये, सो होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा। बाकी काम आप करिए, होगे करिए फिर कोशिश, है ना, आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, देखें हो जाए तो बेटर ऐसे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, फोर टू जाइट इसको जब सो आप एट आ गया, इसको सॉल्व करिए जरा, ये आया आपका ओपन किया ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू ए सी, ये ओके इक्वल टू एट ए स्क्वायर सी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके ऑल राइट, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब क्या करेगा, सभी से मल्टीप्लाई करेगा, है ना, करो वही सबके साथ मल्टीप्लाई करो, तो है ना, हम यहां भी यहां भी, है ना, देन ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी से और इक्वल टू है एट ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है जी, चलो करो इसको आगे और सॉल्व करते हैं, देखते हैं शायद कुछ अच्छा हो जाए आगे चल के, है ना, देख लेते हैं शायद कुछ मिल जाए। सो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ए टू द पावर फोर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये प्लस टू ए क्यूब सी, ये सी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई करेगा आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी टू द पावर फोर प्लस सी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेगा तो टू ए सी क्यूब इक्वल टू एट ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कैपिटल तो नहीं होगी, चेक कर लेना। सो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ गया, ये टू टू को उधर भेज देंगे, टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर उधर भेज दिया, तो एट में से टू माइनस हो तो क्या है सिक्स आ गया, ए की पावर फोर प्लस सी की पावर फोर को साथ साथ रखा और इनको साथ साथ रख दिया प्लस टू ए सी क्यूब को इक्वल टू दिस, इनमें से कॉमन आ रहा है टू ए सी, टू ए सी टू ए सी कॉमन लिया तो अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सिक्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है जी, हाँ जी, इसके आगे अगर आप सॉल्व कर सको इसे, और इसने जो दिया हुआ है कि ए प्रूव दैट कि या तो एबीसी सारे इक्वल होंगे या फिर अभी तो यहां तक स्टेटमेंट हमारी नहीं पहुंची हुई, है ना, कहीं ना कहीं हम गलती कर गए, 110% हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। सो बेटा एक बार दोबारा से चेक कर लो, है ना, और छोटी छोटी गलती से क्वेश्चन पूरा हाथ से निकल जाता है, ठीक है, सो उसको एक बार देखो दोबारा से, हमने कहाँ गलती की है उसको ऑब्जर्व करो, सो देख लेते हैं एक बार दोबारा से फिर से कहाँ हमने मिस्टेक की है, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जब हमने मल्टीप्लाई किया था, एक बार मैं दोबारा से लिखता हूँ उसको, देखना दोबारा से देखो, जो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एच पी में था पूरी स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में आया था हमारा ए, है ना, अपॉन में आया था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी की जगह हम पुट कर रहे थे ए प्लस सी बाय टू का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह ये इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आप इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है, जब आप इसे ओपन करेंगे सो ये आ जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ फोर आ रहा है वो टू से टकराएगा एट ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और ए प्लस सी का होल स्क्वायर भी आप ओपन कर सकते हो
प्रोडक्ट इसको ए प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन किया तो आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी इक्वल टू एट, क्या था यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद वाला, इसके बाद का जो स्टेप होगा वो ये कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो वहां से हमें क्या मिलेगा, ये देखिए ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये पहले इससे करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, है ना। इससे क्या फायदा होगा हमें, देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कोई फार्मूला अगर बन जाए तो ज्यादा बेटर नहीं होगा, फार्मूला नहीं बना गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी इंटू इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एट ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद वाला, इसके बाद जो हम स्टेप लिखेंगे उसमें इसको ओपन ही करना होगा, इसको एक बार बेटा मैं चेक कर दोबारा से कर लेता हूँ कि गलती ना हो। हाँ जी बेटे, देखिए क्वेश्चन खैर ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही गया था, और मैंने थोड़ा एक पॉइंट यहाँ देखने वाला है, ये आपके माइंड में बहुत जरूरी है कि आपको आना ही चाहिए, ठीक है। देखो बेटे इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, ये आपको दिख रहा है ना, इससे ऊपर वाला स्टेप देखना जरा, ये आया हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ए सी इंटू है हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू है एट ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यही है ना। देख रहा है, एक काम मैं करने जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, ये यहां लिखूंगा नाइन ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां एक प्लस एड कर दूंगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ए सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहां मैंने कुछ ऐड किया, यानी कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इक्वल टू नाइन ए स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, समझ आ गया होगा, ये तो जाएगा तो क्या हो जाएगा एट। अब देखो बेटे ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, आप सोचो कि सर किसका होल स्क्वायर, बेटे मैं बताता हूँ, देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, अब आप बताओ ये बन रहा है नहीं बन रहा, देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सही तो है, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, देखो बेटे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, नाइन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब दोनों के स्क्वायर आपस में हट जाएंगे, है ना, कैंसिल भी कर सकते हो आप, तो यहां से आप स्क्वायर को हटा सकते हो, मेरी बात समझ में हो गया, ठीक है जी। सो सिंपली हम यहां से स्क्वायर को हटा देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा थ्री थ्री ए सी का होल स्क्वायर, ये थ्री ए सी का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये और ये हट जाएंगे यहां से, सो हमारे पास जो आएगा इसको उधर भेज दो, यानी कि टू ए सी आ जाएगा इक्वल टू टू ए सी, और डिनोमिनेटर में जो है उसको भी ध्यान से लिख लो, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस का टू ए सी इक्वल टू क्या आ गया जीरो, यानी कि ये आ गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो आया, यानी कि ए इक्वल टू क्या है सी, सो यहां से दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू सी, और ए अगर सी के इक्वल है तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एक और इक्वेशन बना लेंगे, ए अगर सी के इक्वल है तो ऑब्वियसली बी भी क्या हो जाएगा सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यहां लिख देता हूं If A is equal to C, this implies B equal to C. यहां से B भी जो है वो C के equal आ जाएगा, ठीक है। So बात आगे बढ़ाते हैं, जो दूसरा प्रूफ करना है ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया, सेकेंड प्रूफ जो है उसकी तरफ जरा ध्यान से देखो, सेकेंड प्रूफ में हमारा जो गिवन है उसको ले लो पहले तो आप, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू थ्री ए सी, यानी कि इसी को मैंने ऐसे चेंज करके लिख दिया, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, लिख सकते हैं ऐसा, यहां से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए सी इक्वल टू माइनस टू ए सी, देखिए माइनस टू ए सी बन सकता है ना ये ऐसा, हाँ जी फॉर्म कर सकते हैं आप ऐसे, यहां माइनस थ्री ए सी है बेटे, सॉरी आएगा फोर, हाँ ऑब्वियसली ऐसे लिख सकते हैं, ये किसका होल स्क्वायर बन गया ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू ए सी, प्रूफ करने के लिए बेटा ऐसा करना होता है, कई बार कानून तोड़ना पड़ता है ना, पॉलिटिशियन कानून तोड़ते रहते हैं ना, सो वही काम आप भी करो, थोड़ा कानून तोड़ो, और यहाँ पे ए कानून मीन्स ऐसे नहीं रूल के खिलाफ नहीं जाना, फिर तो जेल हो जाएगी, मेरी बात समझो भाई, इस तरीके से तोड़ना है कानून भी,
कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, मैथमेटिक्स के रूल्स के बाहर नहीं जाना हमने, है ना, बेसिक फंडा हमारा, ठीक है। सो ये काम, ये रूल तोड़ना नहीं कह सकते आपने, इसको ऐसे लिखा, किसने ऐसे लिख दिया, बात खत्म होगी, ठीक है। ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू ए सी, अल्फाज को घुमा के बोल नहीं सकते हो उसमें, क्या अल्फाज को घुमा के बोलते हैं, तो ए प्लस सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वो टू बी, तो टू बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू ए सी, तो फोर बी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, माइनस टू ए सी आ गया ना, फोर बी स्क्वायर इक्वल माइनस टू ए सी, तो यहां से बी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, माइनस ए सी अपॉन टू, माइनस ए सी अपॉन टू, तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस ए सी अपॉन टू, और बी स्क्वायर में माइनस ए सी अपॉन टू आ गया, ठीक है। सो हेंस ए बी, सो यहां से बीच वाले टर्म का स्क्वायर होता है ए बी और माइनस सी बाय टू आर इन जीपी, सो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये किस में हो गया, जीपी में, हेंस यहां लिख सकते हो हेंस दिस आर इन, दीज आर इन जीपी, ओके। सो ये दोनों ही कंडीशन आपने प्रूफ कर दी है, सो आइदर पहला वाला केस होगा यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, या फिर ये वाला केस होगा। एट नंबर, ए एंड ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स इफ दिस आर इन ए पी एंड दिस इज इन जीपी, ठीक है। एंड आगे कह दिया ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी दिया हुआ है, और लास्ट ये हमें प्रूफ करना है, करें इसे। चलिए देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टारगेट ये होगा कि अगर ये एपी में दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये एपी में गिवन है, सो पहले वाले को ले लेते, पहले वाले फॉर्म को, ए ए वन ए टू कॉमा बी आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो इसका मतलब बड़ा साफ है, यहां से मुझे आएगा ए वन माइनस ए इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू बी माइनस ए टू, है ना। सो इसको तो बना लो किसको, या फिर यहां से एक इक्वेशन बना लो, ये वाली, ये इधर आ जाएगा, इसको तो भेज दो, इन लास्ट वालों को ले लो, यानी कि ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी, ये आ गया, ये इक्वेशन बन गई आपकी। नेक्स्ट इक्वेशन आप कैसे फॉर्म करोगे, यहां तक तो सब सही है। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी फॉर्म होगी वो दूसरी वाली इक्वेशन से करेंगे, यानी कि जो जीपी वाली इक्वेशन है, और ए जो दिया हुआ है उससे भी एक इक्वेशन बनाओ। नेक्स्ट दिया हुआ है स्मॉल ए जी वन जी टू बी आर इन जीपी, और ये जीपी में, अगर ये जीपी में है तो ये भी आपको पता है दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस इनटू दिस, पता है ना ये बात। या फिर एक और तरीका ये है कि जी वन अपॉन ए इक्वल टू जी टू अपॉन जी वन इज इक्वल टू बी अपॉन जी टू, ठीक है जी। सो ये बातें हमें पता है, सो यहां से भी हमें इक्वेशन एक फॉर्म करने को मिल रही है। देखिए कौन सी इक्वेशन बन जाएगी ये, और फर्स्ट और थर्ड को लो यहां भी, है ना। सो यहां से आ जाएगा जी वन जी टू, नहीं इसको छोड़ दो, फर्स्ट थर्ड को, यानी कि ए टू बी इक्वल टू जी वन जी टू, ये और इक्वेशन एक फॉर्म होगी। तीसरी इक्वेशन बनाते हैं, तीसरी एचपी वाली इक्वेशन है, इसको भी देखो, इसको भी फॉर्म करना है हमें। चलिए करते हैं एचपी वाली इक्वेशन को। सो यहां दिया हुआ है ए ए एच वन एच टू बी आर इन एचपी, अगर ये एचपी में दिया हुआ है तो इसका रिवर्स किस में होगा, एपी में होगा, वन अपॉन ए वन अपॉन एच वन वन अपॉन एच टू वन अपॉन बी आर इन एपी, ये एपी में आ गया, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, जी वन इंटू जी टू, ठीक है, ये आ गया, ये हमारा एपी में आ गया। अगर ये एपी में है तो वही कहानी फिर से जो आपने यहां की है, सो दिस माइनस दिस करो भाई, ये आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, वन अपॉन एच वन माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू दिस माइनस दिस, वन अपॉन एच टू माइनस वन अपॉन एच वन इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन एच टू, ये फर्स्ट और थर्ड वाले को देख लो, लास्ट वाले को इसको बना लो, आ जाएगा वन अपॉन एच वन प्लस वन अपॉन एच टू इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, ऐसे कितनी कंडीशन बन गई हमारी, थ्री इक्वेशंस बन गई, थ्री कंडीशंस कह सकते हो, तीन कंडीशन हमारी फॉर्म हो गई है। अगर तीनों कंडीशंस को हमें प्रूफ करना है, मतलब तीनों कंडीशन से हमें ये प्रूफ करना है, तो वैल्यूज पुट करो हो जाएगा, ठीक है। सो कहते हैं ये तीन इक्वेशन से जो वैल्यूज आई है हमारी, पहली आई है जीवन जी टू की, क्या आई है ए बी, यहाँ पुट कर सकते हैं ए बी अपॉन एच वन एच टू की कंडीशन क्या आएगी, हाँ जी, और या फिर इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लेके आओ, इसको ले आओ, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, ये तरह सही रहेगा ना। सो ये आ जाएगा एच वन प्लस एच टू अपॉन एच वन एच टू इक्वल टू बेटे क्या आ गया ए वन प्लस ए टू और अपॉन में क्या आ गया जी वन इंटू जी टू, ये आ गया। सो यहां वैल्यू पुट करते हैं ए वन प्लस ए टू की, वो है ए प्लस बी, सो ये वैल्यू हमने यहां पुट की ए प्लस बी, और जी वन जी टू की जगह ए बी, आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी, और यहां क्या आ जाएगा
एच वन प्लस एच टू यही तो आया, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। देखो ये एलसीएम लेने के बाद ये इक्वल आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। हो गई प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन ये वाली प्रूफ करनी है, ये टू ए बी इंटू दिस ए प्लस टू बी अपॉन नाइन ए बी। हाँ जी, इसको कैसे प्रूफ करोगे आप? ये भी फॉर्म हो जाएगी, जी वन जी टू अपॉन एच वन एच टू निकाल दो, जी वन जी टू अपॉन एच वन एच टू निकालो, जी वन जी टू अपॉन एच वन एच टू की जगह पे हम लिख सकते हैं, देखना ज्यादा ध्यान से, ए बी अपॉन ये तो ए बी है, जी वन जी टू अपॉन एच वन एच टू मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, ये तो ए, ये ए बी है और अपॉन एच वन एच टू की जगह क्या लिखोगे, एच वन और एच टू की जगह आप क्या लिखोगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए बेटे, मैं एच वन और एच टू की वैल्यू लिख रहा हूँ आपके सामने, देखिए थ्री ए बी अपॉन टू बी प्लस ए, थ्री ए बी अपॉन टू बी प्लस ए, और नेक्स्ट जो आएगी थ्री ए बी अपॉन बी प्लस टू ए, थ्री ए बी अपॉन बी प्लस टू ए, ये इक्वेशन मतलब ये फॉर्म होगा, ठीक है। अब इनको दोनों को सॉल्व करना है हमें, है ना, सॉल्व भी तो करना है, तो ये रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा, है ना, और यहां से इक्वेशन फॉर्म करेगी आपकी, ये बनेगा टू ए प्लस बी, ये ऊपर आ जाएगा ए बी के साथ में, ठीक है। सो पूरा प्रॉपर इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, मैं बताता हूँ, टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस टू बी, टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस टू बी, और नीचे आ रहा है नाइन, वो एक कैंसिल हो जाएगा इससे, चलो नाइन ए बी, चलो लिख लो इसको, टू ए प्लस बी ए प्लस टू बी अपॉन नाइन ए बी, ये है ना, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर थ्री बना लो इसे, अब आप देख लेना यहां से वैल्यू सेम आएगी, इक्वेशन नंबर थ्री, आप देखो ये आ गया, बन गई ना फॉर्म। सो यहाँ से हमने ये भी प्रूफ कर दिया। सो बहुत अच्छा, वो कैसे आया था एच वन एच टू, वो सोचो जरा। हाँ, ये बच्चों के लिए अभी कंफ्यूजन होगा, सर ने वो एच वन एच टू कैसे निकाला। खैर, वो एच वन एच टू मैं बता देता हूँ कैसे आया। ये देखो बेटे, यहाँ से आया, ये हमारी इक्वेशन है, है ना, इसका सेकंड टर्म कौन है, वन अपॉन एच वन, सो टी टू आ जाएगा वन अपॉन ए प्लस, ऐसे निकालेंगे ना, टी टू ए पी में, सो एन माइनस वन इंटू डी, और ये कौन सा टर्म है, सेकंड है, तो सीधा डी आएगा, डी भी निकाल लो बस आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ से एच वन आ जाएगा, फिर उसका रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा, जो भी आया डी की वैल्यू वो पुट कर दो, यहाँ कर दो क्या, फिर वहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट नाइन नंबर, द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 15 और ए एक्स वाई जेड बी एपी में, व्हाइल द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 5/3 If R in HP, then find A and B. So J advanced 1978 में subjective question आया था ये. So problem अच्छी है. करें से. चलिए सबसे पहले तो A plus B की बात कर लेते हैं. क्या बेटे? A plus B. A plus B को जिसके mind में ये trick नहीं आएगी वो question नहीं कर पाएगा. इसको मैं लिख सकता हूँ A plus X plus Y plus Z. क्योंकि हमें X plus Y plus Z की value दी हुई है. तो इसमें से इसको क्या कर देता हूँ? Minus कर देता हूँ. तो बात तो एक ही है. आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? है ना? अब आप क्या करोगे? नाउ हमारा टारगेट है ये एपी में है, इसने बोला भाई, बोला उसने, बोला को प्रूफ है मेरे पास, तो कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 5/2 इनटू ए प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है इसने, कितनी है 15 है, और इक्वल टू क्या आ गया ए प्लस बी, यहां से बेटे ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, यहां से सॉल्व कर लोगे आप इसे, सो मैं यहां से निकाल दूं वैल्यू क्या आएगी, तो ए प्लस बी आ जाएगा यहां से 10, सो मैं लिख देता हूं यहां, करोगे ना सॉल्व आगे, अरे कर लो यार, ये देखो ये 15 इधर चला गया ना, 15 इधर, सो ए प्लस बी कॉमन लिया तो अंतर आ गया 5/2 - 1, ये है ना। अब इसको देखो 2, 5 - 2 कितना हुआ 3, तो 3 upon 2, 3 5 = 15, है ना, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 5 2 = 10 आ गया, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। चलो बेटे ये लिख दो, ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 10। अब आप क्या करोगे इसके बाद, ए प्लस बी जब 10 आ गया, सो हमारा टारगेट ये होगा इसको नंबर वन बना के, कि और हमें दिया हुआ है कि ए एक्स वाई जेड आर इन एचपी, ये हमें एचपी में दिए हुए हैं, ये भी आपको समझा रहा होगा। अगर ये एचपी में, तो इनका रिवर्स जो होगा वो एपी में होगा, यानी कि 1 upon a, 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z, 1 upon b आर इन एपी, ये हमारा एपी में होगा, ओके। और जो है आपकी एपी फॉर्म हुई है, इसको भी उसी हिसाब से आप सॉल्व कर दो यार, जैसे पहले किया था, 1 upon a + 1 upon b की वैल्यू, है ना, मेरी बात समझ गए हो क्या? यानी कि 1 upon a + 1 upon b जो आएगा वो ये आएगा, इन सभी का सम,
इन सभी का सम और उसमें से माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन d, और इस पूरे में से माइनस क्या कर लोगे, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b की। मेरी बात समझ गए हो गया आप? ठीक है, चलिए यहां से 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू दी हुई है 5 बाय 3, यहां पुट कर सकते हो, यहां भी पुट कर सकते हो। मेरी बात समझ गए हो गया? 5 बाय 3 और यहां भी 5 बाय 3, ये ट्रिक है बेटे इसकी, है ना, माइनस 5 बाय 3। चलिए अब यहां से आप 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू निकालिए, है ना। सो वो वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू आप एक में ही पुट करो, हाँ वैल्यू आप सिर्फ एक में पुट करो, ये दूसरे दोनों में मैंने पुट कर दिए, वो नहीं करना, आप एक में ही वैल्यू पुट करोगे, यानी कि आप इसमें तो फार्मूला कौन सा लगाओ, सॉरी इसमें वैल्यू नहीं पुट करनी थी, इसमें तो फार्मूला लगाना है आपने, यानी कि ये था 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन क्या था बी, ये किसमें है, एचपी में, तो इनका रिवर्स जो होगा वो एपी में होगा, एचपी दिया इसने, नहीं अगर ए एक्स वाई जेड बी एपी में है तो इनका रिवर्स ऑब्वियसली एचपी में ही होगा ना। सो इसका समेशन हमें निकालना है, इसका समेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही कहानी यहां भी है, ठीक है, एन बाई टू ए प्लस एल, अरे भाई पता नहीं ये बात, सो एन बाय टू यानी 5 बाय 2 और a प्लस एल, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और माइनस 5 बाय 3, फार्मूला तो सेम ही लगेगा, है ना। अब इसके बाद आपका टारगेट क्या होगा, यहां तक आपने सब सही कर लिया, हाँ जी, यहां से a प्लस बी की वैल्यू और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर दो, अगर वो वैल्यू नहीं आती है चलो एक बात और, ये तो आप इधर एलसीएम कॉमन आ जाएगा, 5 बाय 3 को इधर ले आओ, 5 बाय 3 इधर, सो ये इधर आ गया, इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये आ जाएगा, आप 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी को कॉमन ले लोगे तो अंदर जो आएगा वो आएगा ये 5 बाय 3 माइनस 1, सो ये आ जाएगा 5 बाय 2 माइनस 1 इंटू दिस, सो करो ये आएगा 3 अपॉन 2, सो ये आ गया 3 अपॉन 2 और ये आपका ये इसके साथ यानी कि 10 अपॉन 9 और ए प्लस बी 10 है तो कौन से नंबर है, 1 और कितना होगा, 109 ही होगा, और कौन सा नंबर पॉसिबल है, सो ऑब्वियसली ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 9 है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 लिख दो, है ना, ये और वो दूसरी इक्वेशन, सो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू 9 आ जाएगी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें दिया हुआ है कि ये लेफ्ट हैंड साइड देखो इसकी वैल्यू, तो ये वाली बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और इसने बोला है कि ये आपका एक्स वाई जेड जो है वो किसमें है, आर इन एच पी, एक्स वाई जेड एच पी में, तो अगर एक्स वाई जेड एच पी में है तो इनका रिवर्स किस में होगा, ये भी आपको पता ही है एपी में आएगा, है ना, इसका रिवर्स एपी में आने वाला है, सो करें भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, मैंने तो यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, इसको लेफ्ट हैंड साइड को इसमें थोड़े से चेंजेस करने वाला हूं, देखो ये आएगा आपका लॉग एक्स प्लस जेड प्लस लॉग, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन का फार्मूला, log m माइनस एन का फॉर्मूला है, यानी कि क्या जाएगा ये x प्लस जेड माइनस टू इंटू लिख सकते, चलो y की जगह लिखो, x प्लस जेड माइनस टू इंटू y की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, y यहां से अगर ये hp में है तो यहां से आप y निकालो, क्या आएगा 2xz अपॉन x प्लस जेड, ये आ जाएगा 2xz अपॉन x प्लस जेड, ये आ जाएगा, ओके ठीक है जी, ऑलराइट, ये आपका आपने इस फॉर्म को इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, इक्वल टू 2 लॉग x माइनस जेड, याद है 2 लॉग x माइनस जेड, वो राइट हैंड साइड तो बाद में प्रूफ होगी, खैर ये फॉर्म आपको पता लगा ना, y वैल्यू यहां से हमने पुट किया, ये तो बाद में प्रूफ करते हैं, खैर ये पता लग गया होगा आपको, खैर अगला स्टेप आपका क्या होगा, ये x प्लस जेड यहां आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4xz माइनस 4xz अपॉन एक्स प्लस जेड, ये आ रहा बेटे, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी
माइनस दिस, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, मतलब अपॉन है एक्स प्लस जेड, ठीक है जी। फिर आप क्या करोगे इसके बाद देन, हाँ जी यहां तक सब चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, अब इन दोनों में फार्मूला लग जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन का, तो आ जाएगा लॉग एम इंटू एन, यानी कि एक्स प्लस जेड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस जेड यहाँ, और एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस जेड कैंसिल हो जाएंगे, यह जाएगा लॉग इंटू दिस, यानी कि लॉग एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर जो है फ्रंट में आ जाएगा, यानी कि हमारी ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी यहाँ से। सो ये क्वेश्चन को हम यही इस लेक्चर को हम यही क्लोज करते हैं, ठीक है, प्रूफ आपका हो गया, ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।